69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ से लाए गए, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से लाए गए, उसका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो समाहर्ता बोला जाता था राजस्व अधिकारी को, व्यवहारिक बोला जाता था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश को, मतलब जज को बोला जाता था, और दीवानी न्यायालय का मतलब सिविल कोर्ट का। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, अकाराध्यक्ष वो खानों का अध्यक्ष था। कौन से शासकों को कौन से उपाधि मिली वो हमें मिलाना था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी का लिया था, क्योंकि इसने शकों की हत्या कर दी थी, खत्म कर दिया था। राजराज प्रथम ने शिव पाद शेखर की उपाधि ली थी। रुद्रदामा ने महाक्षत्रप की उपाधि ली थी। धनानंद एकराट नहीं था, ये गलत है, एकराट की उपाधि महापद्मनंदन ली थी। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, वो था पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। थुंडी और कदमर समुद्र तटों को हाल ही में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का प्राप्त हुआ, ये तट लक्षद्वीप में है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 एलएस विलियाट्स्की को दिया गया था। पहला वंदे भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली और बनारस के बीच में किया गया था। एशियाई कप टेनिस में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी, मोनिका बत्रा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस दिग्गज खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, वो दिया गया था शरद कमल अजंता, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ गया, बेंगलुरु में किया गया था, कैंपेगौड़ा जी का स्टैच्यू। ये पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे, ये सबसे कम समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, और कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया, वो जाकिर हुसैन थे, बिहार से आते थे। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है। थायराइड ग्रंथि को सामान्यता बनाए रखने के लिए आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर।